हेलो गाइस, टुडे विद बीबी वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे सलमान खान के बारे में। हमने देखा बिग बॉस में सलमान बहुत अच्छे से ट्रीट करते हुए नजर आए शहनाज को, और हमने देखा ऐसा बहुत कम होता है कि सलमान किसी से इतने ज्यादा फ्रैंक होते हैं। हमने देखा शहनाज बिग बॉस की वो ऐसी कंटेंडर थी जिनका मजाक, गुस्सा, हर एक रिएक्शन सलमान बहुत अच्छे से लेते थे और उनकी बहुत ज्यादा केयर भी करते थे। लेकिन जब सिद्धार्थ की डेथ हुई, उसके बाद शहनाज में आने वाले इतने बड़े चेंज को और उनमें इतना ज्यादा सीरियसनेस आने के बाद सलमान ने उन्हें बहुत ही ज्यादा बच्चों की तरह ट्रीट करना शुरू किया। हमने देखा सलमान जहाँ भी गेट टुगेदर, पार्टी, डिनर, हर जगह सबसे पहले शहनाज को रखते हैं और उन्हें इनवाइट करते हैं ताकि वो उन्हें अपनी तरफ से एक सॉफ्ट कॉर्नर दे सके। हमने देखा रिसेंटली अफ्तार पार्टी पे और ईद की सेलिब्रेशन पर भी हमें शहनाज सलमान की फैमिली में नजर आई और बहुत ज्यादा फ्रेंकली बिहेव करते हुए सलमान के साथ भी नजर आई। सलमान उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और इस चीज को बिल्कुल भी नहीं फील करवाते कि सिद्धार्थ अब नहीं है, बल्कि सलमान से जितना हो सकता है वो उनको सॉफ्ट कॉर्नर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि शहनाज एक ऐसी पर्सनालिटी की मालिक है जो कि ज्यादा सैड नहीं रह पाती। लेकिन सिद्धार्थ के डेथ के बाद उनमें इतना चेंज आना बहुत बड़ी बात है। सलमान ने इसी चीज को देखते ही शहनाज के लिए एक ऐसी मूवी खुद से लिखी जिसके राइटर सलमान खुद हैं। उन्होंने उसी मूवी में एज अ हीरो खुद काम किया और शहनाज को रखा अपनी हीरोइन। हमने देखा इस मूवी को स्टार्ट किया सलमान ने कुछ ही टाइम पहले और इसमें शहनाज को एज अ हीरोइन लेके वो बहुत खुश नजर आए। कुछ दिन पहले सलमान ने शहनाज से इस मूवी को साइन करवाया और शहनाज ने इसी पिक्चर्स को इंस्टा पर पोस्ट किया। हमने देखा इस मूवी का नाम भी शहनाज ने रिलीज किया जिसका नाम है कभी ईद कभी दिवाली। इस मूवी में शहनाज बहुत अच्छी नजर आ रही हैं और फर्स्ट टाइम शहनाज एज अ हीरोइन काम कर रही हैं, वो भी सलमान खान के साथ। ये मूवी बहुत खूबसूरत होने वाली है। हमने देखा इस मूवी की रेटिंग सबसे ज्यादा आएगी क्योंकि सलमान खान ने एक ऐसे न्यू कमर को लिया है अपने साथ, जबकि सलमान ऐसा नॉर्मली करते नहीं है, लेकिन शहनाज के लिए उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर होने की वजह से उन्होंने शहनाज को इतना बड़ा चांस दिया है और शहनाज इस मूवी में बहुत अच्छे से परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। तो हम देखेंगे इनकी ये मूवी। वीडियो कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो प्लीज डोंट फॉरगेट बेल आइकन। थैंक यू सो मच।